जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स 9th क्लास का हमारे पास यूनिट नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और ये आपका फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 5 है इसी का जो आप आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें बेटा आपने आज स्टडी करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास तीन तरह से इसको डिस्कस करते हैं, इसके तीन मेथड्स हैं इसको डिस्क्राइब करने के। तो तीनों डिफरेंट हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब करने के, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा मरतबा आ चुका हुआ है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर या तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है या फिर रिडक्शन हो रही होती है, लास्ट में से कोई ना कोई एक रिएक्शन हो रहा होता है या फिर दोनों ही रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ऑक्सीडेशन है, ये क्या है? इसमें कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये फर्स्ट मेथड है। फिर इन टर्म ऑफ रिमूवल आर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड भी आप चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है लेकिन ये ना एक्चुअली आपस में मिक्सअप हो जाता है कि बाद का आप एडिशन और रिमूवल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रॉन का वो मिक्सअप करके ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बना देते हो और रिडक्शन को आप ऑक्सीडेशन कह देते हो। तो इस चीज को जरा अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा कि ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन की टर्म के लिहाज से ऑक्सीजन रिडक्शन क्या है, और नेक्स्ट ज्यादा कर पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन उसके लिहाज से ऑक्सीजन रिडक्शन क्या है, ये जरा अपने माइंड में क्लियर रखिए। इसमें सबसे पहले आपके पास इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान भी ऑक्सीजन का ऐड होना जमा होना ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो इसका रिवर्स है, ऑक्सीडेशन का रिवर्स जो है वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये रिएक्शन होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसका रिवर्स है। इसको स्टूडेंट्स हम ना एक्सप्लेनेशन इसको करते हैं एक एग्जांपल से। ये देखिए हमारे पास ये रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसके साथ कार्बन को रिएक्ट करवाया जा रहा है, और इससे हमारे पास जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये क्या है, ये आपके पास है जिंक ऑक्साइड एक कंप्लीट कंपाउंड है और ये कार्बन है। अब कहते हैं जब आप इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो उस नतीजे में क्या होता है कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये मिल जाती है, कंबाइन कर जाती है इस कार्बन के साथ, इसके साथ मिल जाती है, और जब ये कार्बन के साथ मिल जाती है तो फिर ये बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ऑक्सीजन मिल गई कार्बन के साथ और वो बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली हो गया है कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर इस कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। यहाँ पर जस्ट इसको बैलेंस करना बाकी था कि यहाँ पर आपके पास 2 लिखा जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपके पास जिंक भी 2 ही हासिल होते हैं। अब देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब वो ऐड होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसको हमने कहना है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, कहना है कि ये ऑक्सीडेशन हो गई है, और जो जिंक ऑक्साइड में से इस ऑक्सीजन जो उसका निकल जाना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाना, इसको हमने इस रिएक्शन पढ़ा था इसे कहा जाता है रिडक्शन। तो यहां पर इस रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलने के बाद बाकी हमारे पास बचता है सिंपल जिंक,
तो ये क्या हुआ है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जब वो रिमूव हो गई है तो इसको हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो प्रॉब्लम हो तो बेटा जरूर यहाँ तक देख ले समझ ले इसको, तो प्रॉब्लम हो तो बेटा आप जरूर डिस्कस कीजिएगा बाद में, ठीक है, जब आपका लेक्चर होगा जूम अगर आपका लाइव लेक्चर होगा या आप यहाँ पर आकर डिस्कस कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, जिंक की फॉर्मेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी होता है, रिडक्शन का रिएक्शन भी होता है, और दोनों रिएक्शंस के होने से आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों का कांसेप्ट बाजी में आता है, और एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है रिडक्शन भी हो रही होती है, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो वर्ड है रिडॉक्स का, ये देखिए आपके पास एक रिएक्शन रिडक्शन और एक आपके पास है ऑक्सीडेशन, ये जो है ना आर ई डी, ये दिया गया है आर ई डी रिडक्शन से और ओ एक्स दिया गया है ऑक्सीडेशन से। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये बन जाता है रॉक्स। इट मींस कि ये एक इस किस्म का रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सिंपली इसको रॉक्स में कहते हैं। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है ये एक रॉक्स रिएक्शन ही शो करता है, एक रॉक्स रिएक्शन भी है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो था ऑक्सीजन के कांसेप्ट के लिहाज से, अब आपने पढ़ना है इन टर्म ऑफ रिमूवल आर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हिसाब से आपने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, इसमें कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन के टर्म में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन में क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इनका रिवर्स मतलब ये। उसके बाद रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हाइड्रोजन के कांसेप्ट के लिहाज से और ऑक्सीजन के कांसेप्ट के लिहाज से लेकिन दोनों चीजें एक दूसरे के रिवर्स है, वहां पर क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपने माइंड में आप रखना है दोनों को मिक्स अप नहीं करना। फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन और यहां पर क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन, तो ये दोनों चीजें इसको अपने माइंड में रखिएगा, ये कांसेप्ट है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप एक एग्जांपल से, एग्जांपल ये है कहते हैं कि आपके पास एक हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन गैस के साथ, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें होता क्या है, जरा गौर से देखिए, इसमें होता कुछ यूं है कि आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेती है, जब क्लोरीन इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन कर लेगी तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, मीन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिल गई, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हमने पढ़ा था रिडक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, तो यहां पर देखिए क्लोरीन में क्या हुआ हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो इसको हमने कहना है ये हुआ आपके पास रिडक्शन का प्रोसेस हो गया है, सही। इसके बाद आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें से हाइड्रोजन का रिमूव होने से निकलने से आपके पास बाकी बच जाता है जैसे सल्फर, तो इधर क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, तो ये सोच आपके पास इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन था, उम्मीद है आपको इसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा समझने में, तो इसमें दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड
इस प्रवीण के साथ आकर कंबाइन कर जाती है और आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है जिसको रिडक्शन कहते हैं और आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड बन जाता है। ये तो हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की रिडक्शन हो गई। दूसरी तरफ क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड में से हाइड्रोजन ज्यादा वो रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको आप क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इस हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन की वजह से सल्फर जो है रिमेन बन जाती है। तो इधर आपके पास हुई ऑक्सीडेशन और जैसे कि मैंने आपको उधर बताया कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम कंबाइनली तौर पर कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या सिंपली इनको रेडॉक्स रिएक्शंस का नाम भी दिया जाता है। तो अगर बेटा इसमें किसी किस्म का आपको समझने में कोई भी इशू होता है तो आप डिस्कस कीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस सही तरह से समझ आ चुका होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, वो आप लास्ट में उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा और लेक्चर को लास्ट में देखिएगा। ठीक है, तो अब तक रिसोर्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे लेक्चर के अंदर भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।